हाय, मैं हरिश्चंद्र त्रिपाठी। अगर बात हो रही है स्टॉक मार्केट से रेगुलरली और कंसिस्टेंटली पैसा निकालने के लिए, तो जितनी भी डिग्रीज हैं वो सब यूजलेस हैं। मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ एक किसी भी स्टॉक का रियल वैल्यू निकालना, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि कब ट्रेंड्स और मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट है उनको स्टडी करना, मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस है। मार्केट में ट्रेड करके किसी भी टाइम फ्रेम में पैसा बनाने के लिए, कैश निकालने के लिए हमको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक मेथड, एक तरीका, एक रास्ता चाहिए होता है, एक मेथड जिससे आप पैसा बनाएंगे। दूसरा, हम अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। तीसरा, हम खुद को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी टाइम फ्रेम में पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट से। मेरे पास एक स्पेशल सिस्टम है, ओके। मेरे पास यहाँ पे 10 रुपये का सिक्का है। अब इसको मैं उछालता हूँ, या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा, और आप चाहे तो इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग अक्सर इस तरह से ट्रेड करते हैं। अब मैंने ये जो सिक्का उछाला, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी दोनों 50% है, यानी कि हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जो विनिंग रेट है वो है 50%। तो क्या आप इस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। चलिए इस गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। वही सिक्का है, और इस बार अगर आप जीतते हैं तो मैं आपको उसका डबल दूंगा। आप ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब आप बेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप हारते हैं तो आप 10 रुपीज़ बेट कर रहे हैं, और 10 रुपये वो मैं रख लूँगा अगर आप हारते हैं। और वहीं अगर आप जीत जाएंगे तो मैं आपको उसका डबल, यानी कि 20 रुपीज़ आपको दूंगा। सो अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो क्या अब आप ट्रेड करेंगे? ऑफकोर्स आप करेंगे, क्योंकि आपके पास अब एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम है जिसमें आपका प्रेडिक्शन रेट 50% ही है। बट अगर आप जीतते हैं तो आप डबल जीतेंगे, यानी कि अगर आप 50-50% चांसेस जो पहले भी थे वही रहता है, आप 10 में से 5 बार जीतते ही हैं, तो भी आपको पता है कि आप अगर 5 बार जीतेंगे तो आपके पास 20×10 आपके पास प्रॉफिट ही बचेगा आपका पूरा। अगर 5 बार आप लूज भी करते हैं तो 50 रुपये आप लूज करेंगे, बट फिर भी अगर आप 5 बार जीतते हैं तो आपके पास 100 रुपीज़ होंगे। सो इससे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी जनरेट होती है। तो इसी के साथ आपके पास एक मेथड आ चुका है बाकी दिन पैसा बनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इस गेम को कंटिन्यूसली ओवर एंड ओवर अगेन लगातार खेलते रहना पड़ेगा आपको, बिना किसी फियर और हेजिटेशन के, यानी कि आपको कोई भी डर और झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ को प्ले करते हैं तो आपके पास एक अच्छा मेथड है। स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ों का फंक्शन होता है। एक होता है आपका हिट रेट, यानी कि आप कितनी बार सही होते हैं। दूसरा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि जब आप रिस्क रखते हैं, जब आप बेट लगाते हैं, तब आप कितना रिवॉर्ड या फिर कितना आप कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और जनरली जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ट्रेडर्स की, वो सिर्फ और सिर्फ हिट रेट के बारे में सोचती है। मतलब मेरे को 70%, 80%, 90% जो सिस्टम काम करे, मेरे को वो सिस्टम चाहिए। ओके, तो इसीलिए जो लूजिंग ट्रेडर्स की कैटेगरी है वो भी इतनी बड़ी है। 95% ट्रेडर्स अप्रॉक्स पैसा लूज करते हैं, क्योंकि वो सब 90% हिट रेट सिस्टम के पीछे भागते रहते हैं, लाइक अ शीप्स, ओके, भेड़ बकरियों की तरह। इसीलिए वो पैसा लूज करते हैं। वो सिर्फ एक चीज, एक फंक्शन पे ध्यान देते हैं, वो है आपका हिट रेट। जनरली आपने बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे कि इस सिस्टम के साथ आप 90% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जनरली आपके पास हिट रेट के साथ साथ आपको ध्यान देना पड़ता है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड में भी। ट्रेडिंग में जनरली 4 तरह के फियर्स होते हैं। इन 4 तरह के डर से आपको सामना करना पड़ता है कंटिन्यूसली। पहला, बीइंग रॉन्ग, यानी कि गलत होने का डर। जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको सबसे पहला डर यही रहता है कि आप गलत हैं कि नहीं, क्या आप सही हैं कि नहीं, मतलब आपको कहीं ट्रेड गलत ना हो जाए, आपने जो सोचा वो कहीं गलत ना हो जाए। तो ये बीइंग रॉन्ग होना एक बहुत बड़ा फियर है। दूसरा जो फियर आता है वो है पैसा खोने का, लूजिंग मनी, जो कि कॉमन है। पैसा लूज ना, जब आप पैसा लूज कर देते हैं तब आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। सो जितने भी नेगेटिव और एरर्स ट्रेडिंग में आती हैं वो सब इन चारों फियर्स से कहीं ना कहीं उसका रिलेशन होता है। तो दूसरा जो फियर है वो आपका है पैसा खोने का।
तीसरा फियर है आपका मिसिंग आउट होने का, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मार्केट जो मूव कर रहा है आप उसमें नहीं हैं, ओके, आप वेट करते हैं और आपसे अपॉर्चुनिटी मान लीजिए मिस हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप छूट गए हैं, आप मिस आउट हो चुके हैं, तो आप उसमें जबरदस्ती एंट्री करने की कोशिश करते हैं। जनरली जो आपका सिस्टम नहीं होता तो वहाँ पे अपने आप रूल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं और वो भी एक फियर है कि आप कहीं ट्रेड आपका कोई अच्छा ट्रेड छूट ना जाए। ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज़ का मेला होता है स्टॉक मार्केट और जनरली आपको मौके मिलते रहते हैं। और चौथा जो फियर है वो है टेबल पे पैसा छोड़कर देखना तमाशा, यानी कि आपको पैसा मिल रहा है बट आप उसको बुक नहीं कर पाते। पैसा आपके पास रहता है, आपको दिख रहा है पैसा बट वो बुक नहीं हो पा रहा, या फिर आपको जो मिल रहा था वो अब नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें ये एक डर पैदा करती हैं ट्रेडर को। तो आपने, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं तो जनरली आप ये चारों फियर्स से आपका सामना हुआ होगा, क्योंकि जनरली हर ट्रेडर को ये होता है और ये एक ट्रेट है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेडिंग बिजनेस की। और डर जो है वो कॉमन ही सबको लगता है, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है उनको भी एक डर है कि कहीं वो मर ना जाए। अब बात करते हैं एज की। सो ट्रेडिंग में आपके पास जो एज आप क्रिएट करते हैं या फिर होता है, जनरली वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला आपका हिट रेट, कि आप कितने परसेंट सही हैं। दूसरा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आप कितना आपको रिवॉर्ड मिलता है। तीसरा कमीशंस, स्प्रेड्स, ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब भी आपके एज के अंदर आता है। तो यहाँ पे अगर आप 50% भी सही हैं तो आपके पास एक एज है, आपने ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छा काम कर लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। ओके, अब आपके पास एक सिस्टम है, एक ट्रेडिंग सिस्टम जिसमें आप विन कर सकते हैं। सवाल उठता है कि अब आपको उस गेम को खेलना सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले, और यही सबसे टफ काम है। आप खुद को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं और खुद की गलतियाँ, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल, और ये सब ही सबसे कठिन चीज़ें होती हैं। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो उसमें दो डिसीजन शामिल होते हैं। पहला, आप लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट, यानी बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। दूसरा, आप उसमें कितना बेट कर रहे हैं, यानी कि आपका रिस्क कितना है, आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क पे पैसा लगा रहे हैं, रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1,00,000 रुपये है और आपने एक ट्रेड पर 20% आपने रिस्क लगा दिया, यानी कि अगर आप इस जो ट्रेड आप ले रहे हैं उस पर अगर आपको लॉस होता है तो आपका कैपिटल का 20% चला जाएगा, यानी कि आपको अप्रॉक्स 20,000 लॉस हो जाएगा। सो इस तरीके से आप अगर लगातार 5 ट्रेड लेते हैं तो आपको टोटल 5 ट्रेड चाहिए आपका पूरा फंड साफ करने के लिए। सो इसीलिए आपको उस तरीके से मैनेजमेंट करना है कि लगातार लॉसेस आप झेल सको तो भी आप मार्केट में टिके रह सको। इसीलिए आपके टोटल जो भी आपका कैपिटल है, फंड है, उसका 1-2% आपको पर ट्रेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर ट्रेड 1-2% आपको रिस्क रखना चाहिए। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमको जो भी इमोशंस आते हैं, हमारे इमोशनल स्टेट को एक्चुअली में हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऐसे हॉर्मोन्स जनरेट करता है और हमारे खून में मिला देता है, इसलिए हमको हर इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगातार प्रॉफिट हो रहा होता है तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, अब आपके अंदर जो हॉर्मोन्स वो बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं आपके खून में और अब आप एक कम्प्लीटली चेंज्ड इंसान हैं। जब आप ट्रेड डाल रहे थे उससे पहले आप जो थे उससे आप कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, आप यूफोरिक हो चुके हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जो बड़ी कंपनीज जो होती हैं उसके जो रिस्क मैनेजर्स होते हैं वो अपने ट्रेडर्स पर खास ध्यान बना के रखते हैं कि कहीं वो यूफोरिया के शिकार तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वो यूफोरिक हो गए तो वो बहुत बड़ा ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ट्रेडिंग करके पैसा रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, कंसिस्टेंटली बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न की ज़रूरत है, एक सिस्टम, एक पैटर्न। मान लीजिए वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया फॉर एग्जांपल, या फिर कोई वेज हो गया, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, एक्स वाई जेड कोई भी सिस्टम होता है, कोई पैटर्न होता है, आपको सिर्फ एक ही चाहिए पैसा बनाने के लिए। फिर आपको चाहिए कि आप लगातार उस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते रहें और बार बार वही चीज़ करने के लिए आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। इसलिए
जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाइए, उसमें अपना पूरा रूल सेट ऑफ रूल्स रखिए। जनरली वो आपका एक पेज का होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सिंप्लिसिटी रूल्स होने चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि आप इस तरीके से ही ट्रेड करेंगे। और तकरीबन कम से कम 20-25 ट्रेड लगातार कीजिए बिना डेविएट हुए, मतलब कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। तो आपको ये पता चलेगा कि जब आप अपने 5वें या 13वें ट्रेड में हैं, उस वक्त तक अगर आप टिक गए तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। असली जो मेहनत आती है ना, असली चीज़ आती है वो 5वें ट्रेड के बाद आती है, 5वें 6वें ट्रेड के बाद आएगी, जहाँ पे आपको रियल में पता चलेगा कि कितना हार्ड होता है उस चीज़ को रेगुलरली, वही चीज़ रिपीटेडली, बोरिंग तरीके से उसको रिपीट करना, जहाँ पे आप अपने प्लान वे को एग्जीक्यूट करेंगे, अपने ट्रेड जो आपने ट्रेड प्लान किया हुआ है उसको आप जब एग्जीक्यूट करते हैं वो बहुत बोरिंग होता है, और उसी को एग्जीक्यूट करना आपके लिए सबसे बड़ा कठिन काम होगा जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे। सो तकरीबन 20-25 ट्रेड आप अगर बिना डेविएशन के कर लेते हैं तो आप उस लिमिट तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप खुद को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर कह सकते हैं। सो यहां तक आपके पास एक सिस्टम है, आपने समझ गए कि अगर आप 50% भी प्रॉफिटेबल, आपका विन हिट रेट 50% भी है तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ज़रूरत है आपको कुछ चीज़ों की जिसके बारे में वीडियो में बात की। कैसे लगे आपको वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।